सो गाइस रात के बज रहे हैं 10 और भैया आ गए हैं। और भैया देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं हमारे लिए, मतलब बहुत प्रीशियस चीज है, अनमोल। ये देखो इन्होंने कालका माता बनाई भैया, बहुत सुंदर बनाई सच्ची में। कैसे बना ली भैया आपने? अभी खराब हो गया, अभी बहुत सुंदर है, प्यारी नाक सही तो कर दी भैया ने, बहुत सुंदर लग रही है भैया। अब कैसे करेंगे इनको, पेंट करेंगे? नहीं अभी सूखने में एक महीना लगेगा, ये सूखता नहीं जल्दी। तो भैया कैसे बना लेते हो आप? आप में इतने सारे गुण है, ये नहीं कि क्लासेस दे दो बच्चों को, कुछ कर लो, पता नहीं क्या है, नौकरी कर रहे हो, इंस्टीट्यूट खोलो इसका आर्ट का। हाँ नहीं तो नहीं, मजाक की बात नहीं है, ऐसा इंस्टीट्यूट खोलो, मैं इंग्लिश सिखाऊंगी, भैया सिखाएंगे आर्ट। नहीं कितना सुंदर है भाई, घर कोई नहीं बना सकता, बहुत बड़ी बात है। माई की देख लो भैया, कल मेरे मन में इच्छा आई थी और हो गया, और ना मेरे मन में ना शनिवार को ही आ गया था। बहुत सुंदर लग रही है सच में भैया, और कितनी बारीक बना रखी है आपने गुलाब भैया, बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में। और पेंट कैसे होगा भैया इन पे? वो दूर 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 जा, भैया बुला रहे हैं। ये भाई साहब आज कौन मिसिंग है? रिक्की मिसिंग है, रिक्की जी के मम्मी पापा के सालगिरह है, हाँ तो पार्टी खा रहे हैं। देखिए मैं मतलब इतने दिन से इच्छा कर रही थी कि मेरी कालका माँ की पिंडी आए, और ये अपने आप ही आ गई बनके, और वो भी मुकेश भैया के हाथों। मानना पड़ेगा ना गाइस, ये होती है माँ की, मतलब माँ की, माँ को सच्चे मन से मानो ना, पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और माँ अपने आप आ गई यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है। और अभी भैया कह रहे हैं मैं चीनी मिट्टी की बनाऊंगा, कलर वलर करके दूंगा अच्छे से आपको, आप दर्शन कर सकते। चलो माता का सोने का टाइम हो गया है, गुड नाइट कर दो माता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। जय माता दी, राधे राधे ऑल। सो गाइस आज की जो मॉर्निंग है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हो रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास सी बारिश बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ, बढ़िया बढ़िया बारिश हो रही है, बट थोड़ी यार तेज होती है ना तो ठंडक हो जाती है, और ये धीरे 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 होती है ना, इससे उमस होती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे झंडा लहरा रहा है माता रानी का, और बढ़िया बारिश हो रही है। और कार्तिक स्कूल निकल गया है, उस टाइम नहीं हो रही थी जब कार्तिक जा रहा था एक्चुअली, अभी अभी जस्ट उसके फादर निकले हैं तो वो गए हैं बारिश में ही। और गाइस आज का जो व्लॉग है ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस अबाउट काली माँ which I observed in my life till now, so definitely I will share with you। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी एक्चुअली, मेरे पास बहुत सारे मतलब लोग हैं जो बोल रहे थे कि आप इतना मानते हो, क्यों मानते हो इनको, क्यों मानते हो इतना। तो मैंने बोला मेरे पास बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब मैंने ऑब्जर्व किए अपने लाइफ में, कि हाँ कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ, तो मैं इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की जो है ना, मेरे साथ जो हुआ है अबाउट काली माता, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। अबाउट काली जी, कालका माँ एक ही हैं वो, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी कि मैं जब से उनसे उन्हें मानती हूँ तब से मेरे साथ क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं। गाइज़ डेफिनेटली अगर हम किसी भी देवता को सच्चे मन से मानते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सिवा इनका कोई भी नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें साथ देना बनता है ना। और गाइस मैंने आपको कल मतलब अब मैंने शूट किया हुआ है, मैं अब आगे दिखाऊंगी कि मैं इतने दिन से इच्छा कर रही थी कि मेरे पास पिंडी आ जाए, माता की पिंडी आ जाए। बहुत मन था मेरा कि मैं नए घर में माँ की पिंडी लेके आऊँ, तो गाइस हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे, और इतने में ना मुकेश भैया ने बना के भी दे दी। और अब मुकेश भैया ने कहा भी ऐसे ही रख लो, फिर मैं कलरिंग वगैरह कलर वगैरह करके अच्छे से दूंगा। और गाइज यहाँ पे बन रहा है मुझी का चीला, विच इज़ वेरी गुड फॉर आर हेल्थ एंड गुड फॉर आर वेट लॉस ऑल्सो। बिल्कुल लाइट लाइट घी लगाया मैंने इसमें,
सूजी का चीला इतना मस्त लगता है खाने में, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सूजी में आप थोड़ा सा दही डालिए, मिर्ची नमक मिर्ची नमक डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, उसे घोल के रख दीजिए। अगर प्याज खाते हैं तो प्याज डाल दीजिए, कैप्सिकम डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए और बस बनाइए चीला और खाइए बढ़िया, बारिश के मज़े लीजिए। और गाइस कल है गुरु पूर्णिमा, सो डेफिनेटली गुरु पूर्णिमा पर सब अपने अपने गुरुओं से मिलने जाते हैं, तो मेरी गुरु तो आपको पता ही है माँ काल का है, सो डेफिनेटली मैं उनसे मिलने जाऊँगी। सो गाइस चलते हैं, फिर आपको सारे मिरेकल्स के बारे में शेयर करते हैं। सुबह के मॉर्निंग के बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि मैंने कहा था उनको शाम को आने के लिए, सो मेरे पास टाइम है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मिरेकल्स ऑफ अबाउट कालका माँ। ओके गाइस, भयंकर बारिश हो रही है, देखिए ये हमारा दूसरी तरफ का गेट है ब्लॉक के साइड का, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, मज़ा ही आ रहा है। देखिए गाइस, और देखिए ये एक कबूतर बैठा बारिश में आराम से नहा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। सो गाइस काम वाम डन हो गया है और थोड़ा सा मैं लेट गई थी, मुझे आ गया था आलस क्योंकि बच्चे नहीं जब आने होते ट्यूशन के तो मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। और गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है, सो गाइस मैं वही बताने जा रही थी आपको कि थोड़ा सा आराम वराम कर लिया है और अब थोड़ा सा बैठ गई हूँ। अब कार्तिक आने वाला है तो सोच रही हूँ कुछ कर लूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। भाई साहब ये बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइस कल मेरे साथ हुआ है बहुत ही अच्छा और सुंदर मिरेकल, ये मिरेकल हुआ है कल मेरे साथ कि गाइस मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं माता की पिंडी लेके आऊँगी, कालका माई की पिंडी। एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि एक तो मैंने कालका जी में मांगी थी मन्नत, और एक मैंने वृंदावन में ठाकुर जी से मांगी थी कि आप मेरा अपना घर करवा दोगे तो मैं आपको अपने घर लेके आऊँगी। तो और मंदिर में भी मैंने बोला था माँ के मंदिर में कि माँ मेरा अपना घर हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगी, मतलब मैं पिंडी रूप में आपको घर पर रखूँगी। तो गाइज़ अब जैसे तैसे ये है कि माता रानी की दुआ से घर हो गया है, तो अब हम लोगों का ये डिस्कशन चल रहा था कि पहले माँ को लेके आएँ कि पहले ठाकुर जी को लेके आएँ। तो इन्होंने बोला कि वृंदावन चलना है तो पहले ठाकुर जी को ले आते हैं, फिर माँ को बाद में ले आएंगे, क्योंकि माँ को इन्होंने बोला कि अगर मैं माँ को लाऊंगा तो मेरा दिल है कि मैं कुछ करवाऊँ, कोई हवन करवाऊँ, कोई भंडारा छोटा सा करवा लूँ या कुछ कीर्तन करवा लूँ, तब मैं माँ को ऐसे लाना चाहता हूँ, चुपचाप नहीं लाना चाहता। मैंने कहा अच्छा, तो हमने कहा ठीक है फिर अभी चलते हैं वृंदावन, तो पहले ठाकुर जी को ही ले आते हैं। तो गाइस मतलब हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे दो तीन दिन पहले ही, और सडनली जो मुकेश भैया हैं जो हमारे घर आते हैं वो एक्चुअली हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है वो, बट वो एकदम हमारे घर जैसे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है वो। तो अचानक से उन्होंने एकदम से एक डब्बा लेकर आए रात के टाइम, एक्चुअली वो भी ऑफिस ही जाते हैं तो वो 9 बजे करीब अपना खाना वाना खा के टहलते टहलते वॉक करते करते आ जाते हैं, घर पास नहीं है उनका, तो वो लाए एकदम से। तो मैं तो शॉक्ड हो गई देख के, मन कर रहे वाह भैया इतनी सुंदर है। तो उन्होंने बोला हाँ ये मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बनाई है, ऑफिस में बनाई है बैठ के। मैंने कहा वाओ भैया इतनी, तो मेरे मन से इतना अच्छा लगा ना मुझे कि मुझे क्या मिल गया हो, मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस चीज़ की आप खुद सोचिए, जिस चीज़ की आप लाइक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हाँ वो मुझे मिल जाए और सडनली वो आपके सामने आ जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, चाहे वो कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं है कि पैसा है ना और जेवर और हर चीज़, इंसान इसी चीज़ की इच्छा रखता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं मन में। तो मेरी इच्छा थी कि मेरी कालका माँ आए घर पे, तो वो सडनली लेकर आया, जब उन्होंने दिखाई ना मुझे इतनी प्यारी लगी ना वो, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। ब्लॉग में मैं आपको दिखाई रही हूँ, आप देख ही लेना कि वो कितनी प्यारी है। तो फिर भैया ने बोला अभी ये रख लो आप, उसके बाद में अच्छे से पूरा प्रॉपर जैसे POP की बनाते हैं ना उन पर कलर वगैरह करके पूरा उनका अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना के दूंगा आपको। मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, आप चाहे कैसे भी लेकर आए बट उनको लेकर तो आए, मुझे इतना अच्छा लगा गाइस तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक चमत्कार तो मेरे साथ ये हुआ ही हुआ है रिसेंटली, और बाकी तो पहले बहुत सारे गाइस चमत्कार हुए हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम सच्चे मन से किसी को भी मानते हैं तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, कोई भी दे देता हो।
लेकिन आपको अपने कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे, आपको अपनी सोच अच्छी रखनी पड़ेगी और आपको अच्छा काम करना होगा बस। उसके बाद आप भगवान से जो भी इच्छा करेंगे ना, डेफिनेटली आपको मिलेगा, चाहे आपको थोड़ा देर से मिले बट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब गाइस घर के लिए हम लोग, आप मानेंगे नहीं, 2-3 साल से घूम रहे थे हम लोग कि अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, लेकिन यह है कि बस फिर माँ ने ऐसे करवा दिया कि पता ही नहीं चला कि पता नहीं कैसे करवा दिया उन्होंने। सीरियसली गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मेरे साथ उनके चमत्कार हो रखे हैं ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आप इतना क्यों मानते हो, क्यों मानते हो, बस मेरा इच्छा है, मैं मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें मानना, इसलिए मैं मानती हूँ उनको। ऐसे क्या हुआ था गाइस, बहुत टाइम पहले की बात है कि शायद कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये पता नहीं क्यों बता रही है या क्या है, बट मेरा मन है कि मैं, आप मेरी फैमिली हो सब लोग, तो मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस है शेयर करके। एक्चुअली गाइस बहुत टाइम पहले ना बाबू छोटा था, वो 1 साल का रहा होगा करीब, तो एकदम जब ये छुटकू था तब भी बीमार हो गया था गाइस ये, फिर उसके बाद थोड़े दिन ये ठीक रहा, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था गाइस। इतना ज़्यादा इसको फीवर हो गया था कि मैं अभी दवाई दिला के लाती थी, अभी फिर चढ़ जाता था, फिर दिला के लाती थी फिर, और मतलब बहुत हद वाला चढ़ता था गाइस, एकदम 104, 103, 102 ऐसे गाइस। मैं इतना परेशान हो जाती थी, तब तक दवाई देती थी तब तक असर ठीक रहता था, उसके बाद दोबारा से हो जाता था, दोबारा से हो जाता, मतलब डेली डेली मुझे भागना पड़ रहा था गाइस। और जब ये बहुत छोटा था तो एक बार ये एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, तो मैं बहुत डरती थी गाइस कि दोबारा ना कहीं से एडमिट कर लें, दोबारा ना। एक्चुअली गाइस ये बात ना मैं कभी याद नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है जो ये बुरी बातें होती है ना कभी याद नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छी बातें ही याद करनी चाहिए, रिमेम्बर भी हमेशा अच्छी बातें रखनी चाहिए, बट कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो चीज़ हम लोगों को बतानी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो बाबू बहुत ज़्यादा उस टाइम दोबारा से बीमार हो गया था, बहुत ही बीमार हो गया था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कितने दो कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि आप तो इतना मानते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आपका बच्चा इतना बीमार है, भगवान सुन नहीं रहे आपकी, और ये है वो है, तुम तो दोनों इतने पूजा पाठ करते हो, ये है वो है, माता क्यों नहीं सुन रही हैं, ये वो ये वो। तो बहुत ही परेशान हुई थी गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। तो वैसे ऐसी चीज़ें शेयर करनी नहीं चाहिए, बट मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है यूट्यूब पे, वो समझेंगे मेरी बात, और जो लोग मजाक उड़ाएंगे उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है गाइस, क्योंकि देखो अच्छे से अच्छे इंसान का मजाक उड़ाते ही हैं लोग, तो यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो मैं अच्छे लोगों से बात कर रही हूँ इस टाइम पे। तो गाइस क्या हुआ था उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा जब ये बीमार हो गया था ना, इसको आराम ही नहीं पड़ रहा था, तो मैं बहुत ज़ोर से रोने लग गई। फिर मैंने मतलब मंदिर के आगे बोला, दिन का टाइम था शायद 1-2 बज रहे थे, इसे दवाई दे के सुला दिया था मैंने, और कार्तिक भी सो ही रहा था शायद, हाँ। तो मैंने कहा आप मेरी सुन ले रही हो ना, मैं आपको पूजूंगी ही नहीं, आपकी पूजा ही नहीं करूँगी, मैंने बोला। फिर उसके बाद मैं मतलब बहुत रोने लग गई थी मैं, तो गई फिर क्या हुआ, मतलब मैं बहुत जोर से रोने लग गई। मैंने कहा आज के बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि तुम क्या मांग रहे हैं हम आपसे, यही तो मांग रहे हैं कि छोटा सा बच्चा बीमार है ठीक हो जाए, और क्या मांग रहे हैं हम, ना तो आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना कोई धन दौलत मांग रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आज के बाद मैं आपको पूजूंगी ही नहीं, मैंने कहा कि मैं इतनी पूजा आपकी करती हूँ उसके बाद भी आप मेरी सुन नहीं रही हो। फिर क्या हुआ गाइस, मैं बाहर चली गई, मैं अपना काम करने लग गई, मैंने लाइट वाइट कमरे की बंद कर दी, और ये दोनों भाई सो गए, छोटा भी सो गया था, इसे दवाई दे दी थी। मतलब ऑनेस्टली आ रहा है ना गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली है मैंने अपनी लाइफ में ना, जब वो बात मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, मुझे सॉरी। तो गाइस फिर मैं बाहर जाके मैं बर्तन वर्तन मारने लग गई, उसके बाद क्या हुआ, सॉरी आई एम लिटिल बिट इमोशनल, बट हो जाता है, पुरानी बातें याद करो ना, जो ऐसी बातें हो तो थोड़ा सा हो जाता है, आई एम सो सॉरी। तो मैं बाहर चली गई, मैंने लाइट वाइट बंद कर दी, मैं अपना बर्तन वर्तन धोने लग गई, और कमरे में अंधेरा कर दिया, ये भी सो गया था, कार्तिक भी सो गया था। तो सडनली मुझे 10-15 मिनट बाद आवाज़ आई अंदर से बहुत ज़ोर से, कार्तिक चिल्लाने लग गया। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कह रहा मम्मी जल्दी आओ। मैंने कहा हुआ क्या, तो मैंने देखा गाइस, लिटरली गाइस
ही वॉज शिवरिंग, वो इतना ज्यादा कांप रहा था ना मेरा बच्चा। मैंने हुआ क्या बता तो सही बेटा, तो कहने लगा मम्मी अभी अभी ना यहाँ मंदिर के आगे ना मम्मी माता खड़ी हुई थी और एकदम यही वाली फोटो थी जो ये लगी हुई है ना मंदिर में, इतनी बड़ी थी मम्मी और ऐसे करके देख रही थी हम लोगों को और बहुत तेज रोशनी आ रही थी उनके पीछे से। तो मैंने सोचा इसने कोई सपना देखा होगा, ये डर गया है शायद। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा है। कह रहा नहीं मम्मी मैंने सपना नहीं देखा, मैं उठ के यहाँ बेड पे बैठा था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मंदिर के आगे खड़ी हुई थी माँ। मतलब जब मैं मंदिर के आगे गई रो रही थी ना, उस टाइम पे कार्तिक ने मुझे नहीं देखा था, कि जब मैं अपने मन में ये चीज़ बोल रही थी कि मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी और आप मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर रही हो, मैं यही तो बोल रही हूँ मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और मैं क्या बोल रही हूँ लोगों से, तुम ताने सुनवा रही हो मुझको कि तुम इतनी पूजा करते हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्यों करते हो इतनी पूजा। मेरे घर वाले बोलते थे गाइस, अभी भी बोलते हैं कि इतनी पूजा पाठ क्यों करते हैं, ये है वो है। तो गाइस उस टाइम पे फिर जब कार्तिक ने मुझे बोला ना, कह रहा मम्मी सच्ची मम्मी इतनी बड़ी थी, पीछे से रोशनी आ रही थी और ऐसे करके पूरा, और माला पहनी हुई थी उन्होंने नींबुओं की और मम्मी जीभ निकाली हुई थी, माता इधर खड़ी हुई थी मंदिर के आगे और पीछे से रोशनी प्रकाश आ रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा तुमने सपना देखा है। कह रहा नहीं मम्मी मैंने सपना नहीं देखा, मैं यहीं बैठा था यहीं मम्मी और एकदम से मैंने जब आँख बंद करी तो वो गायब हो गई। तो मुझे लगा शायद बच्चा है, उसने सपना वपना देख लिया होगा। मैंने कहा कि शायद ये वो, मेरे को समझ में नहीं आया गाइस। फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि फिर मेरी एक दीदी हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत मानती हैं माँ को। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये हमारे जीवन की परीक्षाएं होती हैं, भगवान जो है परीक्षा लेता है, मुसीबत में वो ये देखता है कि हम उनका साथ छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। मुसीबत में भी अगर हम उनको मान रहे हैं, हम उन्हीं को याद कर रहे हैं कि सब आप पर छोड़ दिया, आपको संभालना है, और अगर हम उन्हें गलत बोल रहे हैं तो वो यही तो देखते हैं कि यही परीक्षा है कि आप परीक्षा में भी हमें मान रहे हो अपना कि नहीं मान रहे हो। और उस टाइम मैंने ऐसे बोल दिया था तो वो इसलिए कार्तिक को दिखी। अब वो चाहे गाइस सपने में दिखी हूँ चाहे कैसे भी दिखी हूँ, वो मैं नहीं आपको बता सकती कि वो क्या था, बट कार्तिक उस टाइम पे बहुत ज़ोर से कांपा। मतलब आध घंटे तक ना गाइस वो कांपता रहा, एकदम उसका शरीर ना ऐसे घबरा गया। कह रहा नहीं मम्मी यहीं खड़ी हुई थी, और उस टाइम कमरा भी एक ही था तो यहाँ बेड था और मंदिर इधर ही लगा हुआ था, बेड के साइड में ही लगा हुआ था मंदिर भी, तो जस्ट वहीं पे ही उसने बोला कि मम्मी यहीं खड़ी हुई थी और रोशनी आ रही थी। उसने मतलब मुझे एक एक चीज़ गाइस बताई ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा माँ मुझे पता है आप हमारे साथ हो, मैंने कहा बस आप मेरे बच्चे को आराम दे दो, मैंने कहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए गाइस। मैं ये नहीं कह रही गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा मैं ही हूँ ये है वो है, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ अभी तक मिरेकल्स हुए हैं, और एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं गाइस बहुत बार मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने ईस्ट को किसी भी भगवान को सच्चे मन से मानते हैं तो कभी हम उनको ना गलत टाइम में हम मतलब परेशानी में हम उनको गलत नहीं बोलना, परेशानी में हम उन्हें यही बोलना है कि आप हमारे साथ हो, आप पर छोड़ दिया, आपको ही संभालना है, कोई नहीं है आपके सिवा हमारा। तब फिर दीदी ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा बेटा कभी भी अपने बड़ों से थोड़ी ना ऐसा बोला जाता है कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है, आपके कभी भी कोई हमारा माँ बाप हमारे लिए गलत करेगा कभी भी नहीं करेगा, है ना। तो उस दिन से गाइस मेरे समझ में आया कि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, दुख होता है, जब बहुत दुखी होता है इंसान तो फिर निकल ही जाता है कि भगवान कहाँ हो आप क्यों नहीं देख रहे हो, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। तो उस चीज़ से फिर मैंने ये सीखा कि हाँ भगवान अगर हम सच्चे मन से मानते हैं तो वो हमारे साथ हैं, बेशक चाहे लेट सही पर वो अपना जो है अपना आशीर्वाद ज़रूर देते हैं बच्चों को, ऐसी बात नहीं है गाइस। फिर क्या हुआ गाइस, उसके बाद फिर कार्तिक सडनली मैं जिस डॉक्टर के पास इसको लेके जा रही थी फिर वो चेंज करके मैंने डॉक्टर मलिक के पास में गई। भाई डॉक्टर मलिक मेरे लिए ना भगवान समान है गाइस, इतने बढ़िया डॉक्टर हैं गाइस। सिर्फ एक एक बार में एक विजिट में भगवान की दुआ से इसको आराम लग जाता है, मेरे कार्तिक को भी लग जाता है। डॉक्टर मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल है उनका, निर्माण विहार लक्ष्मी नगर में, निर्माण विहार में लक्ष्मी नगर के पास है जो। तो गाइस वहाँ से ही मैं इनका ट्रीटमेंट कराती हूँ और टचूड इनको गाइस मैं उनके पास गई, मैंने बोला सर मैं 15 दिन से इतनी परेशान हूँ, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला बेटा
तू पहले नहीं आ सकती थी। वो ऐसे ही बोलते हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने बोला बेटा तू इतने दिन से इधर उधर घूम रही है, कम से कम यहाँ पहले नहीं आ सकती थी तू। तो मैंने कहा सर मैं डरती थी कहीं आप इसे एडमिट ना कर लो, मुझे बहुत डर लगता है कि एडमिट पहले भी हो गया था एक बार। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना होता कि हर बार ही एडमिट कर ले बच्चे को, जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तभी एडमिट किया जाता है। फिर उन्होंने फटाफट से इसको दवाई दी और गाइस भगवान की दुआ से वो दवाई इसको ऐसी लगी कि 5 दिन के अंदर गाइस ये एकदम ठीक हो गया था। खाना पीना भी खाने लग गया था, खूब खेलने कूदने लग गया था गाइस। तो ऐसी माता की कृपा हुई भगवान की दुआ से। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए कि कभी मैं अपनी माँ को गलत नहीं बोलूँगी, चाहे वो ये हो चाहे वो हो, कोई भी हो, अपनी माँ को कभी नहीं बोलना चाहिए गाइस गलत। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे मुँह से गलत निकल जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि यार मैंने ऐसे क्यों बोला क्यों बोला। और भी गाइस बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं ऐसे, लेकिन मैं मतलब मुझे कुछ तो याद नहीं है और कुछ मैं शेयर अभी ज़्यादा करना नहीं चाहती, क्योंकि ज़्यादा शेयर करूँगी तो लोग फिर मजाक बनाते हैं गाइस। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में हैं जो अगर हम पूजा पाठ मतलब अपनी कम्युनिटी में है, आपकी और हमारी में, ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को पागल समझते हैं। मैंने ये देखा है गाइस, क्या 24 मेरे ही साथ कई लोग हैं, आप तो 24 घंटे पूजा करते रहते हो, ये है वो। अरे भाई पूजा ही तो कर रहे हैं, कुछ गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं, किसी की लूट डकैती चोरी किसी को गलत थोड़े ना बोल रहे हैं भाई, आपसे थोड़े ना गलत बोल रहे हैं, पूजा ही तो कर रहे हैं। पूजा करना कोई गलत बात होती है क्या? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, पूजा करना कोई गलत बात होती है? नहीं होती ना। तो फिर तो बस यही एक्सपीरियंसेस हैं। और कल का एक्सपीरियंसेस तो गाइस लिटरली इतना माइंड ब्लोइंग था ना कि मैं इतना मज़ा सा आ गया ना मैंने, ओ माय गॉड भैया आप कैसे ले आए बना के। तो उन्होंने बोला अरे तो डेमो है, मैंने कहा ये डेमो ही मेरे लिए बहुत है, दो आप दो में फटाफट से हम दोनों ने मंदिर में रखा माँ को। फिर उन्होंने बोला अब मैं थोड़ी बड़े में बनाऊंगा और पूरी तरीके से POP से अच्छे से बनाऊंगा, उन पर पेंट वगैरह करके सजा के प्रॉपर दूंगा। मैंने कहा थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो ब्लॉग में अगर मुकेश भैया देख रहे हो, उनकी फैमिली देख रही हो, तो भैया थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो, गॉड ब्लेस यू, कालका माँ ऑलवेज ब्लेस यू। मेरे अंदर से तो बहुत दुआएं निकलती हैं आपके लिए, थैंक यू सो मच। और आप हमारे फैमिली से भी ज़्यादा बढ़ के हो, बिकॉज मुकेश भैया एक ऐसे इंसान है ना जिन्होंने हर टाइम हमारा साथ दिया। एक मुकेश भैया, एक रश्मि की फैमिली, वो लड़की भी भगवान उसे इतना सुख देना, मैं कहती हूँ माता रानी देगी और देगी, डेफिनेटली देगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये दो लोग ऐसे हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे ना होके ना मेरे लिए सगे से भी बढ़कर हैं। हर टाइम इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, हर कदम पे साथ दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं कैसे आधा काम हो पाता। हाँ, और रिक्की भी बहुत हेल्पिंग है। सो थैंक यू सो मच, जितने भी बच्चे हैं घर पे आते हैं, हेल्प करते हैं, कभी भी फ़ोन करके बुला लो फटाफट से आ जाते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों के बिना आधे काम पॉसिबल नहीं हो पाते, सीरियसली गाइज। तो बस भगवान ऐसे लोगों से ही हमें जोड़ता रहे, मैं तो यही चाहती हूँ कि वो अपने सगे भी ना हो के सगे लोगों से भी बढ़ कर रहे हैं हमारे लिए, है ना गाइज। तो गाइज इतने सारे मिरेकल्स हुए हुए हैं ना हमारे साथ, बहुत सारे मिरेकल्स हुए हुए हैं, तो कभी टाइम मिलेगा तो और भी बताऊंगी। सो गाइज बस ऐसे ही है कि बस अपना कर्म अच्छे करिए, अपना फैमिली बच्चों के साथ खुश रहिए गाइज, एंड जय माता दी, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। और भाई कल है गुरु पूर्णिमा, सो गुरु पूर्णिमा बोल दिया मैंने, थोड़ा टंग स्लिप हो गई। तो गुरु पूर्णिमा पे कौन कौन अपने गुरुओं से मिलने जाता है, हमारी काली माया हमारी गुरु, कालका माया हमारी गुरु, देखते हैं उनसे मिलने चलते हैं, डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। सो गाइस अपने अपने गुरु हैं, कोई भी गुरु है आपका, टीचर है कोई भी है, उनका सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका उनसे क्या आशीर्वाद लें, बस यही है गाइस। गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है, अपने गुरुओं की सम्मान सेवा करें आप, बस गाइस यही है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा जो कल का मिरेकल जो मेरे साथ हुआ है वो आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस। और जो लोग गाइस मजाक उड़ाते हैं ना लोग, जिस किसी भी का भी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी भक्त का कोई मजाक उड़ाता है ना, मैं नहीं,
और भी कोई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं गाइज, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को इतना सा भी नहीं समझती माँ के लिए कि मैं उनके लायक हूँ। लेकिन अगर किसी भी भक्त का गाइज वो कोई भी मजाक उड़ाता है ना, तो वो भगवान का मजाक उड़ाता है, क्योंकि जो एक सच्चा भक्त होता है ना, वो एक भगवान के समान होता है। तो इसीलिए आप किसी भी भक्त का अगर मजाक उड़ाते हो, तो समझ लो आपने भगवान का मजाक उड़ा दिया। तो जो लोग ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ ना करें। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अथीस्ट हैं, मैं नहीं कह रही आप थीस्ट बनो, अगर आप अथीस्ट हो, नास्तिक हो, कोई बात नहीं, बट आप किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान का और किसी भी भक्त का मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस चलते हैं, करते हैं तैयारी लंच की, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से और मैं आपको दिखाता हूँ अभी का सीन। भाई साहब ये मैजिकल स्टिक लेकर घूम रहे हैं, तो अच्छा आ जा, हैरी पॉटर की तरह जादू करके दिखाओ गाइस का। अच्छा गाइस ने तो वाला कार्टून देखा ही होगा, मैजिकल कार्टून आता था रुद्रा, तो गाइस वो बहुत ही अच्छा कार्टून है, मैजिकल कार्टून देखिए। अच्छा अच्छा रुद्र की तरह करो, बाईस का सी बाईस का बूम चिक चिक बू। गाइस देखिए मैजिक कर दिया भाई साहब ने, और वहाँ मोबाइल बजने लगा है मैजिक करते के साथ ही, बंद कर देते हैं इसको। और गाइस इधर बनेगी आज पालक पनीर की सब्जी, हाँ पालक बढ़िया सी पालक, और ये टमाटोज, और इधर क्या हो रहा है अम्मा, इधर खुल रहे हैं बर्तन, टाइम हो रहा है 4 बजे बच्चे आने वाले हैं, जल्दी से मैं पालक धो के चढ़ा दूँ, चलो तुम्हें सिलाऊँ। तो गाइस मिलते हैं आपको।